नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि वीगन बनकर हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, वीगन बनकर हम जलवायु परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं, गंगा को गंदगी से कैसे बचा सकते हैं, प्रजातियों के विलुप्तीकरण को कैसे रोक सकते हैं, जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, जंगलों को कैसे बचा सकते हैं, जो जलीय जैव तंत्र है उसको कैसे बचा सकते हैं, जो लगाए गए पौधे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उत्तर देने के लिए मैं आज आया हूँ। वीगन बनना अर्थात पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करना। पशु उत्पाद जैसे मांस, दूध, दूध से बनी चीज़ें, अंडा, चमड़ा, ऊन, मतलब वो सभी चीज़ें जो पशुओं से ली जाती हैं, वो सभी पशु उत्पाद हैं। अब इन पशुओं से ली जाने वाली चीज़ों को का इस्तेमाल जब हम बंद करते हैं तो इसके लिए पशुओं की जनसंख्या अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ाई जाती है। इस समय धरती पर 74 अरब से ज़्यादा पशु पक्षियों को, जो स्थलीय पशु पक्षी हैं, उनको हर साल फार्म के अंदर कृत्रिम तरीके से पैदा कराया जाता है और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। हमारी जनसंख्या इंसानों की अभी धरती पर 8 अरब भी नहीं पहुंची है और हम 74 अरब से ज़्यादा स्थलीय पशु पक्षियों को पैदा कराकर मार रहे हैं, अपनी जनसंख्या से 9 गुना ज़्यादा। और इतने ज़्यादा जो पशु पक्षी हैं ये हवा पीकर तो जिंदा नहीं रहते। अगर हमारी जनसंख्या जो 8 अरब हो गई है वो धरती के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि हम धरती के संसाधनों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो सोचिए वो 74 अरब जनसंख्या जो पशु पक्षियों की, जो कुछ प्रजातियों के पशु पक्षियों की फार्म के अंदर हम बढ़ाते हैं, वो भी तो आखिर कंज्यूम करते होंगे, उन्हें भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, तो उनकी जनसंख्या का भी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जब हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मांग करते हैं, उनकी डिमांड करते हैं, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए पशुओं की जनसंख्या बढ़ाई जाती है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक लेंगे अगर हम वीगन बनते हैं तो? अगर हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करके पौधों से प्राप्त भोजन लेने लगते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को और जलवायु परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं? धरती पर जो ये 74 अरब से ज़्यादा पशु पक्षी हम फार्म के अंदर कृत्रिम तरीके से पैदा कराते हैं, ये अपनी पाचन क्रिया के दौरान और जब ये मल मूत्र का त्याग करते हैं तो उसके साथ ये मीथेन नामक गैस उत्सर्जित करते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 23 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है सूरज की गर्मी, जो इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में सूरज से धरती पर आती है, उसको सोखने में। और इतनी ज़्यादा इनकी जनसंख्या जो है, 74 अरब जनसंख्या, ये इतनी ज़्यादा मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है कि ये अकेले 1/4 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं धरती पर। मतलब दुनिया भर के जितने यातायात के माध्यम हैं वो सिर्फ 14% जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, और 25% करीब जिम्मेदार अकेले पशुओं द्वारा उत्सर्जित मीथेन है, चूँकि ये ज़्यादा पोटेंट गैस है और बड़ी मात्रा में उत्सर्जित हो रही है। तो इस तरह से हम जब पशु उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो उसके लिए उनकी जनसंख्या बढ़ाया जाता है और इस तरह से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और इसके साइड में जब हम, जो हमारी ये 74 अरब जानवर हैं, इनको हम खिला क्या रहे हैं? आखिर ये भी तो खाना खाते हैं। धरती पर जितना भी उपलब्ध कृषि भूमि है इस समय, उसका करीब 50% इन जीव जंतुओं के लिए खाना उगाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जितनी ज़मीन है जो कृषि योग्य ज़मीन है, सबसे ज़्यादा धरती पर जो ज़मीन है वो आज कृषि में इस्तेमाल की जा रही है और उसका 50% इन फार्म के जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये 50% जो भूमि है या सभी जो कृषि भूमि है, ये हमेशा से तो कृषि भूमि रही नहीं थी। पहले तो ये जंगल था, हमने इन जंगलों को काटा और दिन प्रतिदिन हम जंगलों को काटते जा रहे हैं उनको कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए। तो इस तरह से हमने इन पशुओं को खिलाने के लिए जो कृषि भूमि बनाई वो जंगलों को काट कर बनाई। अब जंगल जो हैं वो बहुत करोड़ों अरबों वृक्ष थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख कर रखा था। अब जब हमने उन्हें काटा और दिनों दिन उनको काट रहे हैं, तो उनके अंदर जो
मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वातावरण में जा रही है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। दूसरा, जो फैक्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं और धरती पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं और उससे धरती पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और विभिन्न आपदाएँ आ रही हैं और बहुत सी आने वाली हैं। तो इस तरह से अगर हम वीगन बनते हैं, पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करते हैं, तो फार्म के ये 84 अरब जानवर नहीं पैदा कराए जाएंगे। उनके लिए 50% जो एक्स्ट्रा भूमि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा, वो भूमि पुनः वनाच्छादित हो सकती है और इस तरह से मीथेन गैस का उत्सर्जन रुकेगा और जब ज़्यादा जंगल होंगे तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे और धरती पर गर्मी में कमी आएगी। तो ये थी बात ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं वीगन बनकर। दूसरा, हम जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं। अभी हमने बात की कि हम 50% ज़्यादा कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमने 50% ज़्यादा जंगल काटे हैं। और यही नहीं, दिनों दिन हम जंगल काटते जा रहे हैं। अभी हमने कुछ महीने पहले सुना होगा अमेजन के जंगलों में आग लगी थी। अमेजन मैक्सिमम ब्राज़ील में पड़ता है और ब्राज़ील की सरकार वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप जंगल को क्लियर कीजिए और वहाँ पर आप कैटल रैंचिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल काम कीजिए। ब्राज़ील दुनिया का अग्रणी बीफ और पोर्क निर्यातक है। ये बीफ और पोर्क वो उन जंगलों का सफाया करके वहाँ पर सोयाबीन और मक्के का उत्पादन करके फैक्ट्री फार्म बनाकर वहाँ पर जानवरों की जनसंख्या कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर उनको वो सोयाबीन और मक्का खिलाकर उनको मारकर उनका बीफ और पोर्क नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से वो अग्रणी बीफ और पोर्क का निर्यातक है ब्राज़ील। तो अमेजन जैसे जंगल काटे जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, दुनिया भर में हर तरह के जंगल काटे जा रहे हैं कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम कृषि योग्य भूमि है, हम ऑलरेडी 50% ज़्यादा कृषि भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं उन जानवरों को खिलाने के लिए जिनको हम ज़बरदस्ती पैदा करा के मार रहे हैं, निरर्थक रूप से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से जब जंगल काटे गए 50% से ज़्यादा जंगल जो कृषि योग्य भूमि के आज रूप में आज हमारे सामने है और दिनों दिन अमेजन और तमाम दुनिया भर के जंगल काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से उनके जो वन्य जीव हैं, जो उनकी जैव विविधता है वो लगातार खत्म हो रही है, प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं और जैव विविधता विनाश का ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ये तो स्थलीय जो जैव तंत्र है उसकी जैव विविधता की हमने बात की। दूसरा, जो जलीय जैव तंत्र है, बहुत बड़े स्तर पर समुद्रों से मछलियां मारी जा रही हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने कहा कि सन 2048 तक समुद्रों में एक भी मछली नहीं बचेगी। तो जो जलीय जैव विविधता है उसके विनाश के लिए भी हम जिम्मेदार हैं अगर हम मछली या दूसरे जो तथाकथित सी फूड या हम उनको बोलेंगे सी वर्ल्ड, सी लाइफ, उनको हम जब एक्सप्लॉइट करते हैं, जब हम उनको निकालते हैं, तो वो एक अलग जैव तंत्र है जलीय जैव तंत्र। स्थलीय जो जीव हैं उनका हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए, पर हम बड़े बड़े जाल वाले ट्रॉलर जाते हैं समुद्रों में और बड़े स्तर पर वहाँ पर मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, जो बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कछुए, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। इस तरह से जलीय जैव तंत्र बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। मैं यहीं पर स्थानीय रूप से बता दूँ, गोंडा और बहराइच जिले के बीच में घाघरा नदी बहती है। एक संस्था है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, दुनिया भर में कछुओं और फ्रेश वाटर के जानिमल से उनको बचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यहाँ पर घाघरा के किनारे मछुआरों की एक कम्युनिटी है उनके बीच में एक नदी संरक्षण केंद्र बनाया, जिसका आशय ये था कि मछुआरों को वो अल्टरनेट लिवलीहुड प्रोवाइड कर पाएँ, अल्टरनेट जॉब्स प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि वो मछली मारने का काम बंद करें। मछुआरे आज पारंपरिक रूप से मछली नहीं मारते हैं, वो बड़े बड़े जाल का इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानी वाले जाल का इस्तेमाल करते हैं, वो नदी में डालते हैं और उससे बड़ी संख्या में वहाँ पर वो मछलियाँ निकालते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर घाघरा जैसी नदी में घड़ियाल हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन हैं, बहुत ही कई प्रजातियों के कछुए हैं, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो अगर हमें इन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ को बचाना है, नदी की जैव विविधता को बचाना है, उनके जैव तंत्र को बचाना है, तो हमें मछुआरों को ये बोलना होगा, ये उनको हमें एक अल्टरनेट लिवलीहुड देना पड़ेगा कि वो मछली मारने का काम बंद करें। तो इस तरह से ये नदी संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई, जिसका आशय यही था कि जलीय जैव तंत्र को बचाया जा सके। तो अगर हम मछली का कंजम्पशन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है वो डिमांड नहीं होगी और वो नहीं निकालेंगे, वो कोई और दूसरा काम करेंगे। तो इस तरह से हम जलीय जैव तंत्र को भी बचा सकते हैं, हम नदियों को बचा सकते हैं, हम तालाबों को बचा सकते हैं, हम समुद्र को बचा सकते हैं। और इन्हीं नदी तालाब समुद्र की वजह से धरती पर जीवन है, जीवन की शुरुआत जल के भीतर ही हुई। तो इस तरह से वीगन बनकर हम जैव विविधता और प्रजातियों के विलुप्तीकरण को भी बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। अगला, हम जंगल कैसे बचा सकते हैं। हमने बातें की
कि हम जंगल किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, तो अगर हम वीगन बनते हैं तो हम जंगलों को बचा पाएंगे, हम गंगा को कैसे बचा पाएंगे या दूसरी नदियों को कैसे बचा पाएंगे। एक तो जब हम मछली और ऐसे जलीय जीवों का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो वो पानी के भीतर रहेंगे और पानी के भीतर वो उस पानी की सफाई करते रहेंगे। जैसे कछुए हैं, उनका काम पानी के अंदर पानी की सफाई करना है। दो तरह के कछुए होते हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कछुए, और जो टूटी फूटी वेजिटेशन है नदी के अंदर उसको खाते हैं शाकाहारी कछुए, तो वो नदी की सफाई करते हैं। तो अगर उनकी संख्या संतुलित रूप से रहेगी नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर, तो वो उसको साफ रखेंगे और वो बच पाएंगे। दूसरा, जो ये 74 अरब जानवर हैं, उनमें से अधिकतर जानवरों को स्लॉटर किया जाता है कत्लखानों में। अब मैं बताऊँ, गोंडा भारत में गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है, और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गंगा नदी में है चमड़े के टैनरीज। सबसे ज़्यादा गंगा की जो दुर्गति होती है वो होती है कानपुर में। कानपुर जो भारत का एक तरह से लेदर का हब है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर गंदगी फेंक रहा है जब लेदर को ट्रीट किया जाता है केमिकल से, और उसके बाद पूरा का पूरा कचरा गंगा में डाला जाता है। तो इस तरह से गंगा जैसी नदियों में 60% जो गंगा में पोल्यूशन हो रहा है उसका जिम्मेदार अकेले चमड़े के टैनरीज हैं। तो अगर हम चमड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम गंगा को भी बचा लेंगे। और यही नहीं, बहुत से बड़े बड़े कत्लखाने हैं गंगा के किनारे, जो गंगा में जीव जंतुओं के मृत अवशेष, खून और तमाम चीज़ें डालते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, तो उसकी अपस्ट्रीम में 200 किलोमीटर तक के कत्लखाने 2 महीने पहले बंद कराए जाते हैं, ताकि गंगा में वो गंदगी ना आए और यहाँ नहाने वाले लोगों को वो गंदगी ना नहाना पड़े। तो इस तरह से अगर हम मांस, दूध, दूध से बनी चीज़ें, अंडा, चमड़ा, ऊन आदि का इस्तेमाल बंद करते हैं, पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करते हैं, तो हम गंगा और गंगा जैसी दूसरी नदियों को भी बचा लेंगे। इसके अलावा जब हम 50% ज़्यादा कृषि का उत्पादन कर रहे हैं इन पशुओं के लिए, तो हम 50% ज़्यादा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि धरती पर जितना उपलब्ध फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कृषि में। और जब हम डबल कृषि कर रहे हैं अपनी ज़रूरत से, तो हम डबल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उन जानवरों को पिलाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, स्लॉटर हाउसेज में साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी व्यय होता है। तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर बचा लेंगे अगर हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करते हैं। मैं यहाँ के लोकल गाँव की भी बात करता हूँ। गाँव में लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उनको खिलाते हैं चरी, बरसीम और इस तरह की फसलें। हर हफ्ते उनको सिंचाई करना पड़ता है, सोचिए कितना ज़्यादा पानी का कंजम्पशन करते हैं वो। तो इस तरह से अगर हम वीगन बनते हैं तो हम जल भी बचा लेंगे। तो ये बातें थी कि कैसे हम वीगन बनकर जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, कैसे गंगा को बचा सकते हैं, कैसे जंगलों को बचा सकते हैं, कैसे हम जैव विविधता को बचा सकते हैं, कैसे हम प्रजातियों के विलुप्तीकरण को रोक सकते हैं। धरती पर पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी काम जो हम व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, एक छोटा सा चुनाव करके, हम पशु उत्पादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम पौधों से प्राप्त भोजन का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ और थी, बड़े संख्या में प्लांटेशन किया जाता है हर साल, सरकारें करती हैं, हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं, और हमसे ज़्यादा पशु पक्षी जो हैं, जो पक्षी हैं, वो पेड़ पर गए, उन्होंने फल को खाया और उसका बीज ले आकर दूर डाल दिया। हमारे द्वारा लगाए गए पौधे या उन पक्षियों के द्वारा फेंके गए बीज से भी पौधे उगते रहते हैं। अगर वो सारे के सारे पौधे बड़े हो जाएं, तो धरती पर जितने वन हमने ख़त्म किए हैं, शायद 20-30 साल में पुनः धरती वनाच्छादित हो जाए। पर धरती पर वन नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा लगाए गए 1% पौधे भी जिंदा नहीं बचते हैं। अभी इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया, उसके 1% पौधे भी नहीं बचते हैं। हालांकि उसमें पौधे लगाने में भी अनियमितता है, पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो जब पौधे लगा दिए जाते हैं तो उनको आसपास के छुट्टा जो निराश्रित जो पशु हैं वो खा लेते हैं। अब ये निराश्रित पशु कहाँ से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय निराश्रित पशु, जो छुट्टा पशु जिनको लोग बोलते हैं, ये बड़ी समस्या है। दूध के लालच में लगातार हम उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनको छोड़ते रहते हैं, और उसके बाद वो जब भूखे होते हैं तो वो किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे लगाए गए पौधे भी खा रहे हैं। तो अगर हम दूध की लालच में इनकी जनसंख्या ना बढ़ाएं कृत्रिम तरीके से, तो उनकी जनसंख्या सीमित रहेगी या फिर वो किसी सेंचुरी में रहेंगे। तो हमारे द्वारा लगाए गए पौधे और जो पक्षी अपने आप ही बीज के माध्यम से बो देते हैं, वो सारे के सारे पौधे बड़े हो जाएंगे और पुनः धरती पर हरियाली बढ़ जाएगी और धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का वो सोखेंगे और पर्यावरण को बचाएंगे।
तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वो है वीगन बनना। आपसे मेरी अपील है कि पशु उत्पादों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप छुट्टा जानवरों की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके अलावा दूध उद्योग ही जो है वो गाय और भैंस प्रोवाइड करता है बीफ उद्योग में, खासकर भारत में। भारत में बीफ के लिए एक्स्ट्रा कोई गाय भैंस नहीं पैदा कराई जाती है, जबकि भारत दुनिया का अग्रणी बीफ निर्यातक है। तो ये हमारे दूध के लिए पैदा कराए गए सारी भैंसें बीफ के लिए मारी जाती हैं, उनके चमड़े से गंगा को गंदा किया जाता है और अधिकतर गौवंश का भी यही हाल होता है। और बाद में जो गौवंश बच जाते हैं तो वो इस तरह से वो लगाए गए पेड़ पौधों को और जो वेजिटेशन है अत्यधिक चारण की जो समस्या है वो पैदा करते हैं। तो आपसे अपील है कि मांस, दूध, दूध से बनी चीज़ें, अंडा, चमड़ा, ऊन और हर प्रकार के पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद कीजिए। पौधों से प्राप्त भोजन, फल है, अनाज है, दालें हैं, इनका कंजम्पशन कीजिए। इससे आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण बच जाएगा और पशु पक्षियों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।